नमस्कार, जय गणपति बाबा मोरिया। अगले वर्ष तू लोकरिया। हम लोग यहाँ पे आज बुराड़ी में हैं और लालबाग का राजा गणपति महोत्सव के 15वें दिन पे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन बिंदल साहब हैं, प्रदीप जी हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा चल रही है, राम कथा। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग ने आयोजन करा है इस वर्ष नेताजी से, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, तो आप लोग का कैसे सब व्यवस्था चल रही है? गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। गणपति भगवान मन्नतों के देवता है। हर आदमी की जो आदमी आता है प्रभु के आगे मन्नत मांगता है, गणपति भगवान उसकी मन्नत पूरी करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अब की बात प्रीतमपुरा से यहाँ शिफ्ट करने का कारण हमारे गुरु जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनकी कथा में 5 लाख लोग तकरीबन एवरेज में रोज आए, उसके आने से हमारे को परमिशन जो है ना वो यहाँ के लिए मिली, ना कि NSP के लिए मिली, क्योंकि वहाँ छोटा ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड बड़ा है। तो इसके अंदर हमने पंडाल में लोग बैठने का व्यवस्था पूरी है, लकड़ी की सब फ्लोरिंग करवाई है। तो शास्त्री जी की 5 दिन रही, 5 दिन अनुराधाचार्य जी की कथा चल रही है, इसके अंदर भी बहुत भीड़ है, लोग कथा का रास ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अभी जो आप लोग ने एक बॉलीवुड नाइट भी 2 दिन पहले कुछ फिल्म बॉलीवुड कर दी वो, क्योंकि ना कथा में लोगों को इतना रास आ रहा है तो वो कोई चीज़ और देखना ही नहीं चाहते, तो भजन संध्या ही चल रही है और कथा चल रही है। और इसका जो विसर्जन होगा, ये इसका आपने बताया था कि यहीं पे कंपाउंड में, वो उसकी क्या व्यवस्था और किसी कंपाउंड में? बस 17 तारीख को इसका विसर्जन करेंगे और यहीं पर ही करके उसको पौंड में, और पानी उसके अंदर खड्डे के जो बनाते हैं पौंड भर देते हैं और फिर उसको पानी से फिलअप करते रहते हैं। समय क्या रखा है? 3:30 बजे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो अभी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, अभी आप लोग आज इसका लुत्फ उठा सकते हैं, कल भी पूरे दिन कथा रहेगी, कल पूरा दिन कथा है और परसों आखिरी दिन होगा विसर्जन, जो कि गणेश जो लालबाग राजा हैं उनको बॉम्बे से ये मूर्ति बन के आई है। बॉम्बे में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गणपति महोत्सव, और अब दिल्ली में भी और अपने पूरे भारतवर्ष में ये एक त्यौहार मनाया जाता है, और इसके आगे फिर नवरात्रि फेस्टिवल हो जाता है, हमारे त्यौहार शुरू होते हैं। तो हम प्रधान जी से जानना चाहेंगे, उनसे 2 शब्द की आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर। गणपति बाबा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। मैं अभी कोई बोलने के सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं तो गणपति बाबा का आशीर्वाद का आनंद ले रहा हूँ, और भगवत कथा का, हनुमंत कथा का, राम कथा का जो अनिरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं उसका आनंद ले रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब का जो मेहनत फल आ रहा है, लाखों लोगों को उसका आनंद प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नहीं, वो सबको खींच के लेके आ रहे हैं। हम लोग भी इधर पूरे मीडिया के जो दिल्ली से और भारतवर्ष के मीडिया मेरे ख्याल से उसको दिखा रहे हैं। आज सुबह मैं चैनल्स में देख रहा था तो लालबाग राजा का एक नाम इतना बड़ा है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब भी गए हैं बॉम्बे। मैं अपने मन में सोच रहा था कि दिल्ली में जो कम कॉस्ट में अगर हो सकता है वो दिल्ली में दर्शन हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग चाहेंगे कि जो दोस्तों गणपति बाबा मौर्या आज लालबाग राजा ट्रस्ट में जो प्रोग्राम चल रहा है, कथा चल रही है अनिरुद्ध आचार्य महाराज की, हमारे साथ दिल्ली के एक मैं कहूँगा युवा नेता भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सज्जन बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और हम लोग जानना चाहेंगे आपके द्वारा थोड़ा सा भक्तजनों को कुछ आप बोल देंगे। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को गणपति महोत्सव की बधाई देता हूँ। लालबाग का राजा ट्रस्ट गणपति महोत्सव जो बुराड़ी मैदान में मनाया जा रहा है, मुझे लगता है दिल्ली का ये सबसे बड़ा गणपति महोत्सव है, और जितनी शानदार व्यवस्था यहाँ की समिति ने की है उनके लिए मैं राकेश बिंदल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। हजारों की संख्या में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भक्तजन आए हुए हैं, कई लाख संख्या और कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, और जो अद्भुत प्रतिमा गणपति जी की
की है, लगता ही नहीं कि हम मुंबई में नहीं हैं, हम दिल्ली में हैं। तो मैं पुनः एक बार सभी भक्तों को और प्रार्थना भी करता हूँ गणपति महाराज से कि सभी अपने भक्तों पे अपना आशीर्वाद बना रखें, दिल्ली वाले स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर एक बार इस समिति को, राकेश बिंदल जी को, प्रदीप अग्रवाल जी को, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत शानदार आपने यह आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मेरा आखिर में कहना है कि गणपति बाबा मौर्य अगले वर्ष तो नौकरिया। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मुरारी में निरंकारी कॉलोनी जो है वहाँ पे लालबाग राजा ट्रस्ट द्वारा आयोजन लालबाग राजा का प्रोग्राम गणपति महोत्सव में है। मेरे साथ वाइस चेयरमैन साहब आदेश जैन साहब हैं और ये कार्यक्रम जो है पहले दिन जब 7 तारीख को शुरू हुआ है तो इसके अंदर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा रही है 5 दिन 3 बजे से। उसके बाद अब अनिरुद्ध आचार्य जी वृंदावन से जो आए हुए उनकी हनुमान कथा चल रही है। तो जैन साहब थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जो पिछले और आगे विसर्जन का क्या आयोजन है। जय श्री गणेश। मैं आदेश जैन, वाइस चेयरमैन लालबाग का राजा ट्रस्ट दिल्ली। ये हमारा उत्सव 2015 में शुरू हुआ था। पंजाबी बाग से हमने सफ़र शुरू किया और उस सफ़र को 2016 में हमने NSP ग्राउंड पीतमपुरा में लेके आए। अभी तक 7 आयोजन टोटल हुए हैं कोरोना काल को छोड़कर, और अभी हमारा 8वां विशाल गणपति महोत्सव चल रहा है। और ये 7 सितंबर से शुरू हुआ था जिसके अंदर 5 दिन के लिए बागेश्वर सरकार धाम से बाबा जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर कथा करी। अक्सर तो वो हनुमत कथा करते थे लेकिन यहाँ पर उन्होंने विशाल जनसभा को गणेश कथा भी साथ साथ सुनाई। और अब अनिरुद्धाचार्य 12 तारीख से कल 16 तारीख तक यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ पर वो श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। आसपास से और दूर दूर से बहुत भगत जन, पूरा पंडाल भरा हुआ है अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा हमारे को बरसात ने साथ नहीं दिया, उसकी वजह से थोड़ी परेशानियाँ रही। बाकी उत्सव जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और गणेश जी के दर्शन सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। वो हम स्टेज पे ही दर्शन कराते हैं लोगों को बिल्कुल साक्षात। और ये हमारी गणपति प्रतिमा बॉम्बे से लाई जाती है जिसको आने में हमारे को 8 से 9 दिन लग जाते हैं रास्ते में, क्योंकि बड़ी विशाल, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद नॉर्थ भारत की ये सबसे विशाल गणेश उत्सव रहता है हमारा। और कुछ पूछना? और इसका विसर्जन जो है परसों होगा। इसका विसर्जन 17 तारीख को परसों साये 4 बजे के आसपास करेंगे और वो इसी ग्राउंड में किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने कर ली है, सरकार से भी परमिशन वगैरह मिल गई है। धन्यवाद। तो मैं आखिर में बस जोड़ना चाहूँगा कि ये पिछले 10 दिन से जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है और कई महीने से इसकी तैयारी, जो इधर 6 लाख स्क्वायर फुट जगह बनाई गई है और खेल बच्चों के लिए व्यवस्था, सिर्फ बारिश जो इंद्र देवता हैं वो मेहरबान रहे। और जैसे सुभाष चंद्र जी ने बोला कि इस वर्ष आदेश, हाँ जी नहीं आदेश जैन और सुभाष चंद्र जी, वो अभी वो उनसे इंटरव्यू कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि इस बार बारिश बहुत हुई है तो गणपति बाबा का सबके ऊपर आशीर्वाद है। और मैं आखिर में बोलूंगा कि गणपति बाबा मौर्य अगले वर्ष तो नौकरिया। धन्यवाद, शुक्रिया सर। मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी हमारे पास कल 1 दिन और है, आए कथा का आनंद ले, कथा से ज्ञान प्राप्त करें, छोटे छोटे बच्चों को लाएं जिनसे उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, और 17 तारीख को 4 बजे गणेश विसर्जन के अंदर जरूर आए, मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं संजय अग्रवाल, मेरे साथ सुभाष चंद्र गुप्ता जी हैं
और जैसे इन्होंने पहले दिन जब रूप सिंह भाई साहब सब आए थे हमारे मित्रगण, इन्होंने दिया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस में जो लालबाग राजा का फेस्टिवल मनाया जा रहा था, क्योंकि ये लालबाग राजा का एक बॉम्बे में महाराष्ट्र में पूरा बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको अब हम लोग दिल्ली में भी देख रहे हैं, तो गुप्ता जी ने पहल करी और वो लेके आए दिल्ली। और जैसे आपने देखा है कि ये इधर अनिरुद्ध महाराज जी की इस टाइम कथा चल रही है, उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बाबा जो थे उनकी कथा रही। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब आपका कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा और जानकारी आप देंगे विसर्जन और दूसरे। हमने जो टास्क रखा था 2014 में हमारे लाल बाग के राजा का, कि जो लोग बॉम्बे नहीं जा पाते या किसी वजह से दर्शन नहीं कर पाते, तो हमने बॉम्बे के ही पंडित जो लाल बाग के राजा की पूजा करते थे वहीं की मूर्ति, जो बॉम्बे से एक मूर्ति वो बनती थी, दूसरी हमारी बनी थी, सेम मूर्ति आती थी, बॉम्बे से ही आई है ये। फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लगा मूर्ति आते हुए, ताकि टूट ना जाए रास्ते में, ये ऐसे ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से संभाल संभूल के मूर्ति आई। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2014 में जब गणपति दिल्ली पहुँचे फर्स्ट टाइम, उस टाइम में दिल्ली में 10 के 10 दिन इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई कि बॉम्बे में एक दिन गणपति वाले दिनों में एक दिन बारिश नहीं हुई, जिससे कि हमें ये लगा कि हमारे गणपति बाबा दिल्ली पहुंच गए, अब इन्होंने दिल्ली स्थान अपना बना लिया, दिल्ली पे आशीर्वाद बनेगा। अब वही आशीर्वाद धीरे धीरे 2015 में हमने लोग जुड़ते गए, जैसे ही 2015 में लोग जुड़े तो इसने विशाल रूप ले लिया, गणपति ने अपना विशाल रूप दिखाया, जिससे कि चेयरमैन राकेश बिंदल जी को उन्होंने फिर जैसे ही जुड़े उसके बाद तो ये बढ़ता ही चला गया, 2015 2016 2017 अपग्रेड होता गया, जिसमें फिल्म वालों को भी बुलाया, कपिल शर्मा को भी बुलाया, भोले शंकर की ब्याह शादियों का भी दिखाया, छोटे छोटे हमने कॉमेडी सीरीज वो भी कराए, कवि सम्मेलन भी कराए, हर बार कुछ ना कुछ नया कराते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम दिल्ली में क्या हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लाल बाग के राजा का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कि 6 लाख स्क्वेयर फुट जगह का प्लेटफार्म लकड़ियों पर बनाया गया, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है गणपति के लिए कि जिस जैसे कि लग रहा है मैं 2014 दोबारा से आ गया, तो 10 साल हो गए, 10 वर्ष तो 10 साल पूरे हो गए, जैसे हम लोग बर्थडे बनाते हैं गणपति जी अपना बर्थडे बनवा रहे हैं बड़े स्केल पे, तो उससे ये लग रहा है कि हमें गणपति जी का आशीर्वाद, हम लोगों पे मन्नतों के देवता का आशीर्वाद है, अब गणपति बापा मोविया हमारे साथ हैं, इसलिए इतना विशाल कार्य स्मूथली हो गया। इसका थोड़ा विसर्जन जो है परसों जी, इसका थोड़ा सा कार्यक्रम सुबह के विसर्जन का हमारा टाइम रहेगा 11 बजे का, और इसी ग्राउंड में विसर्जन करेंगे हम, जिधर गणपति हम रखते हैं उसी ग्राउंड में विसर्जन करते हैं, ताकि गणपति क्योंकि जमुना जी में वो विसर्जन करना मना है, हम गवर्नमेंट के ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि हमारी संस्था को ट्रस्ट को किसी तरह का लिटिगेशन या किसी तरह का फेस करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ना चाहूँगा क्योंकि अभी जो हमारे विदेशी मित्र हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा कि लॉर्ड गणेशा इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती एंड ही इज द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, जो विघ्न करता है वी आर कॉलिंग हिम, बिकॉज हमारा कोई भी घर गृह कार्य जो भी होता है सबसे पहले गणपति पूजा होती है, और इन्होंने जो है अपनी माता पार्वती की रक्षा करी थी, तो इनको बॉम्बे में बहुत ज़्यादा वो उधर जो समुंदर है उसमें विसर्जन होता रहा है, और ये होली की तरह एक पर्व बॉम्बे में आप जाएंगे, और अगर आप इस टाइम बॉम्बे में जाएंगे तो पूरा त्यौहार वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा त्यौहार इस टाइम वहाँ मनाया जा रहा है, और रंग उत्सव, और वहाँ पे फिर गणेश जी के साथ शिव पार्वती, अब लोग बोलते हैं कि वो भोले बाबा के भोले गणेश जी को भोला भी बोलने लगे, और इनके क्योंकि इनकी जो कथा है जो इनका सिर
घर से अलग हुआ और उसके बाद शिव जी ने वरदान, जब पार्वती माता ने कहा कि मेरे बेटे को जिंदा करो, तब उन्होंने कहा कि जो पहला जो भी इंसान कोई भी दिखे उसको सिर काट के ले आना और मैं उसमें अपनी शक्ति से, बिकॉज जो शिवा है वैसे वो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे में वो जान फूंक दी और तब से ये जो शिव अपने गणेश बाबा जो है उनका वो उनका जो ऑब्स्टेकल्स का है, तो इसको एक बहुत बड़ी मानता है। तो अभी श्रद्धालु लोगों से हमारा यही है कि जो भी चैनल देख रहे हैं इसमें हम लोग रेगुलर कवरेज करते आए हैं, तो आप लोग देखिए इसमें हम लोग ने प्रधान जी का और जितने भी कार्यकर्ता ट्रस्टी सबका इंटरव्यू भी लिया और आपको जो कथा हो रही है कथा भी दिखा रहे हैं। और अभी इसमें आज और कल आप लोग इधर आ सकते हैं बुराड़ी में, तो मेट्रो से भी आ सकते हैं, नहीं तो गाड़ी से आएंगे तो अपनी व्यवस्था है, तो आप लोग सब आइए। और मैं आखिर में बोलूँगा गणपति बाबा मोरिया अगले वर्षु लोकरिया जल्दिया उसको बोलते हैं मराठी में, मैंने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की। धन्यवाद, नमस्कार। Yeah।